देखो 956। हाँ, टमाटर का भाव बहुत 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 ज्यादा था। और ये खस्ता वाली खस्ता। हाय गाइस, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सब कैसे हो। और आज है सैटरडे, टाइम हो रहा है 6:30। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट और ननू के पापा नीचे जा चुके हैं। मैंने उनको बोला आप लोग नीचे जाओ, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। हालत ऐसी करती डाउन सी, और अभी ऑन कैमरा मैं मतलब बात कर रही हूँ ना, तो एकदम एक्टिव हो गए। और अभी मेरी हालत ना बिल्कुल ऐसी हो रही है, खस्ता हो रही है। मतलब ना कुछ काम वाम करने का मन नहीं कर रहा था सुबह से, मतलब ढीली सी पड़ रही थी। तो जैसे ही वीडियो की बात आती है तो होती है, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी लानी पड़ती है। अगर मैं ऐसे ऐसे बात करूँगी तो आप लोग पसंद ही नहीं करोगे मेरा वीडियो। तो चलो अभी बातें नहीं करते हैं, चलते हैं मार्केट, क्योंकि सब्जी लेने जानी है और फिर आके डिनर भी बनाना है। तो चलते हैं हम मार्केट। छोटा ले लो, घी दाल बना लेना। मुझे पसंद नहीं पड़ता। क्या क्या रहने दो, कटहल ना दो, तेरा दिल करे ये ले लो। ये देखो लाल वाले कैसे हैं, तो जैसे ये बनते हैं वैसे ही वो बनते हैं। गोल काटेगी, बिल्कुल गोल काट लिए। तो बस टाइम हो गया है 8 और मैंने जस्ट अभी चाय पी है, 8 बजे चाय पी है शाम की। आज मार्केट में टाइम लग गया क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही थी, आप लोग मैसेज कर रहे थे उसके रिगार्डिंग ही मैं कुछ ढूंढ रही थी। नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा क्या करने वाली हूँ, ठीक है? तो मैं पहले वेजेस निकाल लूँ और क्या बनाने वाली वो भी देखती हूँ, क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती, जो जल्दी बन जाए वो देखती हूँ। तो चले निकालते हैं सब्जी अपनी सारी। पहले मैं अपने फ़ोन को रख दूँ। ओके, सेट हो गया है। पूरे 10 से 12 दिन के बाद गई हूँ ना मार्केट, सब्जी इतनी महंगी हो गई, कभी क्या ही होगा। ये तो मैं लाई हूँ फरनेल, ये देखो ये यहाँ पर नया ऐसा मिलता है, इसको 2 लीटर बोतल में डालेंगे ना तो ये पूरा जो व्हाइट कलर का फरनेल होता है ना, जो पोचे वोचे भी मोपिंग में काम आता है, तो ये छोटा सा आता है, बट इसको हम 2 लीटर वाली बोतल में डालेंगे तो 2 लीटर से 3 लीटर बन जाता है इजिली। 3 भी नहीं 5 लीटर आराम से बन जाएगा, बन जाएगा इतना। ये ले आई हूँ क्योंकि इस मौसम में कीड़े वगैरह आती रहती हैं। और मैंने लिए हैं टमाटर, टमाटर का भाव बहुत 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 ज़्यादा 60 रुपये किलो टमाटर हो रहे थे। हस्बैंड ने बोला कम यूज़ करना नहीं तो टमाटर आने बंद हो जाएंगे घर पे। तो भैया हमारे घर में बिना टमाटर के तो सब्जी नहीं बनती है, प्याज के बिना बन जाती है, टमाटर के बिना नहीं बनती है। तो टमाटर मैं ले आई हूँ। हाँ मैं ये ना बट मैं लाई हूँ देसी टमाटर, ये बाहर रखूँगी तो लाल हो जाएंगे, थोड़े से येलो हैं। और ये लाई हूँ मैं 30 रुपये किलो, 60 वाले नहीं लाई हूँ, 60 वाले कह रहे थे बॉम्बे वाला टमाटर है, लेकिन कहाँ कहाँ के टमाटर होते हैं। और मैं लाई हूँ आलू, साथ में है ये नाशपाती नहीं बबू कोशा नाशपाती नहीं है, एक स्वीट कॉर्न का पैकेट है, साथ में है एक घिया। और ये मैं ना फर्स्ट टाइम लाई हूँ ये वाले बैंगन लंबे वाले, वैसे तो छोटे गोल वाले यूज़ करे बनाए हैं, खाए हैं, ये वाले फर्स्ट टाइम बनाएंगे, जब बनाएंगे तो रेसिपी शेयर करेंगे। और अभी मैं लाई हूँ मेरे बचपन का प्यार बचपन में बहुत खाई है, बहुत 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 बार, और शादी के बाद मैं ये सेकंड टाइम बना रही हूँ कि ग्वारफली बोलते हैं हमारे, ग्वारफली भी बोलते हैं, बीन्स भी बोलते हैं, और आप में क्या क्या बोलते हैं बताना जरूर। और इसको कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि आज मैं यही बनाने वाली हूँ मेरा बचपन का प्यार।
बचपन वाला प्यार है ये मेरा, तो इसको बनाते हैं। और एक है पेठा और है भिंडी, मंडी में यही सब्जियां हैं और कोई सब्जी नहीं है। बैंगन इसलिए लाई हूँ वो गोल वाले भरते के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बारिशों के मौसम में क्या है ना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो इसलिए लाई हूँ। कटहल भी नहीं, थोड़ा टाइम लगता है और रसोई में बहुत टाइम तक नहीं खड़ा हो जाता। और सब्जियाँ है क्या, यही सब्जियाँ ठीक है, तो यही सब्जी लाई हूँ। कितनी, एक दो तीन चार सब्जी लाई हूँ, पाँच। एक अभी बनाते हैं, ये मेरा बचपन का प्यार, इसको तो मैं बाद में वॉश करूँगी, पहले मैं ना इसको धो लेती हूँ और आलू भी कट कर लेती हूँ, नहीं तो खाने का टाइम हो जाएगा। तो इसमें मैं डालूंगी दो टमाटर और साथ में एक अनियन, तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं चॉप। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें डाल रही है थोड़ी सी हींग, साथ में जीरा, साथ में डाल देंगे प्याज, तो प्याज को ना हमें ज्यादा रेड नहीं करना है, इतना ही हमें कच्चा पक्का भुनना है इसे, ठीक है। साथ में डाल दूंगी टमाटर, फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है। तो टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें रेगुलर मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गई, और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है पिसा हुआ। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ग्रेवी में जो मसाले हैं वो मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अभी इसको 2 मिनट तक के लिए हम पकाएंगे। और ये जो आप देख सकते हो बीन्स, मैंने इसको ऐसे कट किया है, और इसमें मैंने 2 इसमें पोटैटो कट करे हैं। गर्मी गर्मी गर्मी, बारिश के बाद ऐसी गर्मी बढ़ती है जिसका कोई तोड़ नहीं। तो चलिए रोटी बन चुकी है, तो सर्व कर लें। ये रही यमी यमी सी सब्जी, आलू, बीन्स, ग्वार की फली भी बोल सकते हो, ठीक है, बट थोड़ा सा ग्वार की फली थोड़ा सा बोलने में ऑफर लगता है, तो आप बीन्स बोल सकते हो। और मॉर्निंग में बनाए थे मैंने ये जीरा आलू, जिसे मैंने लंबे कट करके बनाए थे। इसमें मैंने डाला था कड़ी पत्ता, जीरा, और ना इसमें मैंने ब्लैक सीड्स डाली थी, बहुत ही यम्मी बने थे ये आलू। आज आलू डे हो गया है ना, आलू रेडी है। तो बताइए कैसी लगी आज की रेसिपी, तो रुको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो सोई सोई करे, 10 बज गए, 10 बज गए। देखो देखो पापा के फोन पे अभी तो 9 बजे। 9 के आगे क्या है ये तो देखो, देखो 9:56। हाँ अभी 10 बजने 4 मिनट है, पापा को बोल दो 4 मिनट है 10 बजने। 4 मिनट में दूध लाने में भी लगेगा, चलो उठो। नहीं होता, नहीं जब मैं बाहर आती हूँ इसको मेरे से प्यार करने आता है। जलाई खिला दे, चलो जाओ जाओ पापा साथ, अब आपको सोई सोई करनी है। नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? फिर खेल।
मैंने तो पकड़ा ही नहीं हुआ, देखो मेरा ये हाथ रहा, एक हाथ मेरी गर्दन देख, अभी नुकसान हो जाता तक नहीं जा रही। जब इस खाना खा लेते ना तब इसको मेरे पे बहुत प्यार आता है, इसको पता होता है कि पापा भैया मेरे को सुलाने वाले हैं। तो चला जाओ हम भाग के मम्मी के पास, पूरा दिन इसको मेरी याद नहीं आती लड़के को, और हालत देखो क्या बना दी मेरी बाल की, क्या लगा रही थी मैं। तो टाइम 10 बजने वाले हैं और बर्तन करने, थोड़े से बर्तन वैसे तो ज्यादा नहीं है, तो चलो फटाफट काम कर लेते हैं। पहले मैं ये ना वेजिस को पंखे के नीचे रख देती ताकि सूख जाएगी, फिर मैं इसको लगा दूंगी, है ना। रुको लगा रही हूँ बैजेस, बैजेस की मेरी ऑलमोस्ट सूख गई क्योंकि फैन जो है फुल स्पीड पे चल रहा था। फिर हम जाएंगे सोने, टाइम देखो 11 बज गए हैं और आंखों में है नींद, बहुत तेज नींद आ रही है। तो ये देखो मैंने सब्जी को ऐसे रैप कर लिया है फ्रूट रैप से, रैपर से, और इससे पता क्या होता है सब्जी खराब नहीं होती है और ना फ्रेश रहती है, ठीक है। अगर एक दिन लेट हो गया तो नेक्स्ट डे जैसे कि सब्जी बासी होने लगती है ना, तो इससे सब्जी बासी भी नहीं होती, फ्रेश फ्रेश रहती है और टेस्ट जो है वैसा का वैसा रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ऐसे ऊपर से कवर करके रखती हूँ, हाँ साइडों से इसको हवा पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको रख दूँगी अंदर, तो बस सारा काम फिनिश। टाइम हो गया है 11:15, सब्जी वगैरह भी रख दी है ये देखो, और अंदर सारे सो रहे हैं, तो हम भी चलते हैं सोने। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वैसे भी अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।